वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर मनोज कुमार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत सेल्स वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे, या फिर वो कौन कौन सी एंट्री है, वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जो हमारे सेल्स वाउचर में जाएंगे। उससे पहले यदि दोस्तों आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम टैली के अंदर चलते हैं। सबसे पहले वाउचर एंटर के अंदर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर। इसमें हमने एंट्री कौन सी कहाँ पर करनी है पहले वो हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमने एक एंट्री की है कि 2100 रुपये का नकद माल बेचा, हमने काली मिर्च बेची है। इसमें हमारे प्रभावित होने वाले खाते हैं दोस्तों, एक हमारा सेल्स अकाउंट और एक हो गया हमारा कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और इनके नियम के हिसाब से हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। एक सिंपल रूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों कि परचेज जब भी करेंगे तो हम उसमें परचेज को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर हमने माल नकद खरीदा है, उधार खरीदा होगा तो परचेज डेबिट हो जाएगा और पार्टी का नाम हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और बेच रहे हैं तो सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। उधार माल बेचने की स्थिति में जो हमारा पार्टी का नाम होगा वो डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे हम नकद माल खरीद रहे हैं इसलिए हमने कैश को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया है। तो आइए टैली में इसका ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। टैली में एंट्री करने के लिए अब हमने ट्रांजैक्शन देखना है कि हमने कौन सा माल बेचा है। जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं अगर वो माल बेचा हमने तो हम उसकी एंट्री सेल्स में करेंगे, और अगर हमने ऐसा कुछ माल बेचा है जिसका हम बिजनेस नहीं कर रहे जिस चीज़ का, तो हम उसको रिसिप्ट में करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे ब्लैक पेपर बेच रहे हैं जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं कंपनी में, तो हम इसकी एंट्री सेल्स में करेंगे। उससे पहले दोस्तों, टैली फीचर्स के अंदर F11 से जितने भी फीचर्स हैं उनमें अलाउ इनवॉइसिंग को छोड़ के हम बाकी सारे फीचर्स नो कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे सेल्स के अंदर चलते हैं। हम यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, F8 से हम सेल्स में चले गए। ये हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो गया दोस्तों। इस तरह का हमारा सेल्स वाउचर ओपन होगा। अगर इसको आप वाउचर एंट्री के दौरान, जैसे हमने डेबिट क्रेडिट में करना है और वाउचर एंट्री देखनी है, तो हम इसको एज वाउचर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो एज वाउचर हमने एंट्री करनी है, तो यहाँ से वी प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ वी क्यों प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे इनमें ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्टर्स के नीचे डबल लाइनें लगी हुई हैं। जहाँ पे डबल लाइनें लगी हो तो इसका मतलब हम उस करेक्टर को कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमारी सिंगल लाइन लगी हो, यहाँ पे सिंगल लाइन लगी है, तो इसको हम ऑल्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो हमने वाउचर एंटर करना है तो हम कंट्रोल के साथ वी यूज़ करेंगे, तो हमारा यहाँ पे डेबिट क्रेडिट शो करने लगेगा और एक वाउचर हमारा जैसे हम नॉर्मल एंटर करते हैं वैसे ओपन होगा। अगर हम सीधा इसको सेल्स डाल रहे हैं तो हम इसको इनवाइस रूप में लेंगे, उसके लिए हम फिर से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे एज ए इनवाइस में, तब हमारा इनवाइस के रूप में एंटर होगा। तो वाउचर में तो हमने एंट्री कर ली थी, सिंपल है, एक बार इनवाइस में करके देखते हैं हम कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के अनुसार दोस्तों, यदि ऑर्डर नंबर हमको मिल रहा है तो हम वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालेंगे, या फिर ऑर्डर नंबर नहीं है तो हमारा डिलीवरी चालान नंबर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास डिलीवरी चालान नंबर है, हम चालान नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे 18, एंटर यूज़ करेंगे।
पार्टी नेम, यदि हमने उधार माल बेचा है तो हम पार्टी नेम डाल देंगे और नकद बेचा है तो हम यहाँ पे कैश डाल देंगे। अब ये दोस्तों आगे हमारे पास पूछ रहा है डिस्पैच डिटेल, हमने कैसे डिस्पैच करना है। हमने डिलीवरी नोट दे रखा है, हम डिलीवरी नोट नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद डेट, किस तारीख को हमने वो माल बेचा है, फिर उसके बाद हम डालते हैं इसमें फ्रेंड्स उसका डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर या डिस्पैच थ्रो, हम कैसे उसको डिस्पैच कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं या फिर डायरेक्टली किसी और साधन से हम उसको भेज रहे हैं, और उसका डेस्टिनेशन यहाँ पे डालते चले जाएंगे। ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर नंबर डाल देंगे कि पेमेंट हमको कैसे प्राप्त हो रही है या कब प्राप्त हो रही है, सारा हमारा कैश का है। अदर रेफरेंस कोई डालना हो या हमने टर्म्स ऑफ डिलीवरी, माल की डिलीवरी की कुछ कंडीशंस, वो सब हम यहाँ पे भरते चले जाएंगे और लास्ट में इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आ जाता है हमारा सेल्स लेजर, हम अंडर कौन से ग्रुप में डालेंगे इसको फ्रेंड्स। ये हमारा लेजर सेल्स अकाउंट के अंदर ही जाएगा जो हमने पहले से यहाँ पे बना रखा है। सेल्स लेजर हमने यहाँ पे बेचा है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी कितनी बेची हमने, हमने ब्लैक पेपर बेची है 50 केजी, 50 नहीं कम डाल लेते, कम डाली थी शायद हमने वहाँ पे, क्वांटिटी नहीं डाल रखी। क्वांटिटी यहाँ पे हम डाल लेते हैं, हम उसमें से 30 केजी यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं। एंटर यूज करेंगे, किस रेट से हमने सेल्स की वो रेट हम यहाँ पे डाल देंगे और ये अमाउंट अपने आप यहाँ पे ले लेगा, हमने 2100 रुपये की यहाँ पे बेची थी, और एंटर और फिर से एंटर। ऐसे ही दूसरा कोई आइटम हम बेच रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा आइटम डालेंगे, वरना खाली एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नरेशन के अंदर हम लिख देंगे कि गुड सोल्ड और एंटर और एक्सेप्ट, यस हमने ये एंट्री करी दोस्तों। इसको हम एज ए वाउचर देखना चाहें, फिलहाल हम एक ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है दोस्तों कि 2900 रुपये का नकद माल बेचा जिसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन शामिल है। ये हमने 12 अप्रैल को चार्ल्स एंड कंपनी को बेचा है दोस्तों। इसमें हमारे प्रभावित होने वाले खाते हमारा सेल्स अकाउंट, और नकद बेचा है तो हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इनके रूल के हिसाब से हम यहाँ पे वही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। अगर उधार बेच रहे होते तो हम कैश की जगह पार्टी का नाम चार्ल्स एंड कंपनी डाल देते। तो इसकी एंट्री भी हम टैली में करते हैं दोस्तों। चलिए, इस बार हमने चार्ल्स ट्रेडर्स को माल बेचा है दोस्तों नकद माल। तो रेफरेंस नंबर इसका, हम रेफरेंस नंबर में उसका ऑर्डर नंबर या फिर डिलीवरी चालान नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने डिलीवरी चालान नंबर डाला, एंटर। पार्टी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कैश डालेंगे और उसके बाद सेम टू सेम डिटेल भरते चले जाएंगे हम। डिलीवरी नोट, एड्रेस, उसके डिस्पैच थ्रो, मोड या फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस, डिलीवरी टर्म्स, सब चीज़ हम डालेंगे और अंडर सेल्स लेजर के अंदर इसको लेजर मिलेंगे। तो इस बार हमने चार्ल्स ट्रेजर्स को माल बेचा है जिसमें हमारा था मस्टर्ड ऑयल, हम मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल कितना बेचा उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, 20 लीटर। रेट किस भाव बेचा, हमने रेट बेचा उसको 75 पर लीटर के हिसाब से, एंटर। दूसरा आइटम हमने यहाँ पे सोयाबीन बेची है, हम यहाँ पे डालेंगे सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल हमने कितना दिया, हमने 20 लीटर सोयाबीन ऑयल दिया है। किस भाव दिया, वो 70 के भाव हमने दिया, और एंटर। फिर से एंटर यूज करेंगे। यदि हम तीसरा भी कोई आइटम डालना चाहें जो बेच रहे हैं तो वो डालेंगे, वरना खाली एंटर यूज़ करेंगे, और एंटर और फिर से एंटर। नरेशन लिखेंगे हम यहाँ पे गुड्स सोल्ड। और दोस्तों इस एंट्री को अगर हम एज ए वाउचर देखना चाहें तो हमको कैसी नज़र आएगी, एक बार देख लेते हैं।
एज ए वाउचर सेलेक्ट करने के लिए हम वही कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे और वो एज ए वाउचर हमारी ऐसे नजर आएगी जैसे हमने एंट्री मैनुअल लिखी थी कि कैश को हमने डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया 2900 रुपये से, जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल यहाँ पे डाला। एक बार यहाँ पे करते हैं एंट्री, उस हिसाब से हम यहाँ पे चल के देखते हैं। एंटर यूज करेंगे, हमने कैश को डेबिट किया, एड्रेस जो भी था पार्टी का, सेल्स को हमने क्रेडिट किया और वहाँ पे जैसे हमने मस्टर्ड ऑयल की डिटेल्स डाली थी सेम टू सेम यहाँ पे मांग रहा है दोस्तों, हम यहाँ भी डिटेल्स डालते जैसे हमने एज ए इनवॉइस हमने डाली थी, तो सेम ऐसे हमको एज ए वाउचर भी डालनी पड़ेगी। और नरेशन हम लिखेंगे जैसे हमने वहाँ पे नरेशन लिखी थी, गुड्स सोल्ड, और एंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोनों ही तरीके से आप एज ए वाउचर एंट्री करें या एज ए इनवॉइस एंट्री करें, एक ही चीज़ होती है हमारे पास, सेम टू सेम एंट्री होगी और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए एक ट्रांजैक्शन और देखते हैं, उसको पहचानते हैं और एंट्री करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है दोस्तों कि निजी खर्च के लिए व्यापार से 1000 रुपये निकाले। यहाँ पे दोस्तों मालिक द्वारा 1000 रुपये व्यापार से निकाले गए हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन से जो अकाउंट पर प्रभावित होंगे, एक तो हमारा ड्रॉइंग अकाउंट हो गया, आहरण का खाता जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और दूसरा हमारा कैश का खाता, क्योंकि नकद हम निकाल रहे हैं, पैसा आ रहा है व्यापार में, तो वो आता हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो इनके रूल के हिसाब से हम ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। टैली में एंट्री करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि वो एंट्री हमारे कौन से वाउचर के अंतर्गत जाएगी। वहाँ पे व्यापार के मालिक ने 1000 रुपये निजी खर्चे के लिए निकाले, तो एक व्यापार का खर्चा हो गया दोस्तों, क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे पेमेंट के अंतर्गत जाते हैं, तो ये हमारा परचेज या सेल्स अकाउंट में ना जा करके खर्चा है तो हमारा पेमेंट में जाएगा। हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे, हम F5 यूज़ करेंगे यहाँ पे पेमेंट के लिए, और यहाँ पे हमने डेबिट करना है ड्रॉइंग अकाउंट को, ड्रॉइंग का खाता हमने पहले ही बना रखा है 1000 रुपये से, और क्रेडिट करेंगे कैश को क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा है। नरेशन हम लिखेंगे दोस्तों कैश विदड्रॉ, फॉर पर्सनल यूज, और एंटर, और फिर से एंटर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।